फाइनली हमारा रेडमी 11T 5G, इसमें मैंने अपने फ़ोन को अपडेट कर लिया। मीवा ट्रैकिंग के अपडेट में हमारा फ़ोन अपडेट हो गया और एंड्रॉइड वर्सन में एंड्रॉइड 12 भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस अपडेट में क्या चेंजेस देखने को मिला उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले देख सकते हैं हमें एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट मिल जाता है और हमें यहाँ पर एंड्रॉइड 12 की स्ट्राइक भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आज की वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 50 का, और यहाँ पर हमें अगस्त की सिक्योरिटी पर देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो न्यू कंट्रोल सेंटर, न्यू हेडिंग की जो कंट्रोल सेंटर है वो देखने को मिल जाता है। तो इसे कैसे आप लोग इनेबल करना, तो उसके लिए सिंपली आप लोग नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में जाना है और कंट्रोल सेंटर स्टाइल में जाना है। अगर आप लोग ओल्ड वाला यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो देख सकते हैं आपको ओल्ड वाला मिलता है, पर जैसे आप लोग यहाँ पर न्यू वर्सन पर टैप करेंगे तो हमें मीवा 13 वाली न्यू जो कंट्रोल सेंटर है वो उसकी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो बहुत से डिवाइस में दोस्तों अभी भी आप लोग को मीवा 12 वाली कंट्रोल सेंटर मिलता है मीवा 13 के अपडेट के बाद भी, पर इस डिवाइस में हमें न्यू सपोर्ट अपडेट मिल जाता है। इसका उससे जाता हूँ रिसेंट मेन्यू में, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर आपके फ़ोन में कितना रैम बाकी है और जो एक्सटेंशन मेमोरी है दोस्तों जो एज रैम हम लोग यूज़ करते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो उसके लिए अगर मैं आपको यहाँ पर जाता हूँ फ़ोन के सेटिंग में और जाते हैं अबाउट फोन में और फिर जाते हैं ऑल स्पेक्स में, तो देख सकते हैं आप लोग को 6+2 GB, तो हमारा जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें से 2 GB रैम में यहाँ पर ऐड हो गया, ताकि हम लोग को अच्छी यहाँ पर मल्टीटास्किंग देखने में मिले। और दोस्तों यही जितना भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो भी ऑप्शन आपके यहाँ पर एक्सटेंशन वाली मेमोरी है, वर्चुअल रैम जो सपोर्ट दोस्तों, वो आपके रिसेंट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चेंज लोग आप लोग को न्यू अपडेट में देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों 5G की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये फ़ोन हमारा दोनों सिम में 5G सपोर्ट करता है। सिम वन में जाते हैं, प्रीपेड में जाते हैं तो यहाँ पर 5G सपोर्ट मिलता है, और सिम टू में जाते हैं, प्रीपेड में जाते हैं तो यहाँ पर 5G देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम लोग नेटवर्क सर्च करते हैं, अगर मोबाइल नेटवर्क में जाते हैं और सर्च करते हैं, देखते हैं हमें 5G की सपोर्ट देखने को मिला कि नहीं, 5G नेटवर्क हमारे फ़ोन में आता है या नहीं। तो जैसे अगर देख सकते हैं हमें यहाँ पर 5G का सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। सेम लोकेशन में दोस्तों अगर मैं आपको वो Xiaomi 12 Pro में दिखाता हूँ दोस्तों, मैं जाता हूँ सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क में और फिर मैं सर्च करता हूँ मोबाइल नेटवर्क, तो हमें यहाँ पर 5G की सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, मतलब 5G की मतलब जो सिग्नल है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से दिखाता हूँ, जब तक नेटवर्क सर्च कर रहा है मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ चेंज लॉग में क्या क्या देखने को मिलता है फिर से एक बार। तो देख सकते हैं हमें जो चेंज लॉग मिलता है वो सिर्फ एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ, अगस्त की सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, क्योंकि अभी हमारे फ़ोन में 5G यहाँ पर इनेबल नहीं हुआ। जो प्रीफर्ड नेटवर्क है दोस्तों वो हमें पहले से देखने को मिलता है। उसके लिए आप लोग सिम कार्ड नेटवर्क में जाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे फ़ोन में यहाँ पर प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप 5G शो कर रहा है। तो अगर आपका फ़ोन 5G है तो आपको प्रीफर्ड यहाँ पर 5G की सपोर्ट देखने को मिलेगा, पर 5G की सिग्नल के लिए ब्रांड आपको अपडेट देगा, जिस कंपनी की फ़ोन आप लोग यूज़ करें उस कंपनी का आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर Xiaomi 12 Pro में आप लोग को 5G का सिग्नल यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वो अलग बात दोस्तों टैप करने पर रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो खैर दोस्तों यहाँ पर 5G की सपोर्ट अभी हमारे फ़ोन में इनेबल नहीं हुआ इस डिवाइस में, डिवाइस हमारा 5G है, पर ब्रांड की तरफ से अपडेट मिलेगा उसके बाद ही 5G हमारे फ़ोन में इनेबल होगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें मुझे ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिला है। 90Hz जैसे काम करता है पहले वैसे ही काम करता है। कैमरा वगैरह दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, तो टिपिकल जो पहले वाला कैमरा था वो सेम देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा कुछ तो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ नया चीज़ देखने को मिलता है, कुछ न्यू मिला है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और बाकी जो विजुअल चेंजेस है वो आपको देखने को मिल जाता है। और कोई सवाल है आप लोगों का इस डिवाइस को लेकर, इस अपडेट को लेकर, तो कमेंट कीजिए। दोस्तों ये है रेडमी नोट 11T 5G और पोको M4 Pro 5G, दोनों डिवाइस सेम है। जाते हैं दोस्तों फ़ोन की सेटिंग में, फिर जाते हैं अबाउट फोन में, तो देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर हमें एक अपडेट देखने को मिल जाता है। अभी हमारे फ़ोन में जो वर्सन इंस्टॉल है मीवा 12.5.10.0 की अपडेट देखने को मिलता है, ये इंडिया वाला बिल्ड है और हमें जुलाई की सिक्योरिटी पर देखने को मिलता था। और जो अपडेट अभी हमें देखने को मिला है दोस्तों, देख सकते हैं हमें यहाँ पर मीवा 13.0.5.0 की अपडेट मिल जाता है, 3 GB की अपडेट है। और चेंज लॉग की बात करें यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ आपको अगस्त की सिक्योरिटी पर देखने को मिल जाता है। तो मैंने अपने फ़ोन में यहाँ पर अपडेट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब मैं यहाँ पर रिबूट करता हूँ, उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद सिम कार्ड में जाता हूँ और जाता हूँ यहाँ पर जियो पे और फिर जाते हैं प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में। तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर 5G की सपोर्ट पहले से देखने को मिलता है, प्रीफर्ड जो नेटवर्क मैंने 5G सेट कर रखा है, पर दोस्तों हमें यहाँ पर भी 5G की सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। और दोस्तों नेटवर्क सर्च करते हैं तो यहाँ पर कहीं भी 5G का ऑप्शन नहीं आता है। अगर फोन अपडेट हो जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या 5G इनेबल हुआ है नहीं। तो मैं यहाँ पर अपडेट टू रेडी टू इंस्टॉल करता हूँ और रिबूट नाउ यहाँ पर करता हूँ।